जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 57 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का नाम है, चैप्टर का नाम है, पेपर नंबर 4 चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स चल रहा है, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए चल रहा है और बीई वालों के लिए चल रहा है। अब चलिए, अब थोड़ा सा धीरे, इससे पहले तो हम राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोले। अब देखिए, क्वेश्चन है आपका, रिड्यूस द इक्वेशन वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स पी इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 इंटू पी स्क्वायर वायर पी स्मॉल पी बराबर डी वाई डी एक्स टू कैलरट्स फॉर्म बाय द सब्सटीट्यूशन। तो आपको करना क्या है बाबू, कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, यानी कि जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो इसको सब्सटीट्यूशन करना दे दिया, देखिए स्मॉल एक्स बराबर 1/x सब्सटीट्यूट करना है, स्मॉल वाई बराबर 1/y 1/Y से सब्सटीट्यूट करना है, एंड हैंड सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन दी इक्वेशन। यानी कि आपको इसका सिर्फ जनरल सोल्यूशन निकालना है, इसका आपको जो है कि सिंगुलर सोल्यूशन नहीं निकालना है, क्योंकि सिंगुलर सोल्यूशन नहीं कह रहा है निकालने के लिए, है ना। ऐसा नहीं लिखा कि एंड ऑल्सो फाइंड इट्स सिंगुलर सोल्यूशन, सिर्फ लिखा है फाइंड जनरल सोल्यूशन। अब बात करते हैं कि ये तो दे दिया है कि सर दे तो दिया है यहाँ पर कि क्या पुट करने से, क्या सब्सटीट्यूट करने से ये कैलर्स फॉर्म में बदल जाएगा, लेकिन बात ये है कि जब नहीं दिया रहेगा तो सर, तो सिंपल सी बात है, अगर एक्सपोनेंशियल का टर्म आया, जैसे ई टू द पावर एक्स आया, ई टू द पावर वाई आया, तो सुन लीजिए, ई टू द पावर एक्स आया तो यू पुट कीजिएगा, ई टू द पावर वाई आया साथ में तो भी पुट कीजिएगा, क्लियर है। अब अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो आप यू पुट कीजिएगा और वाई स्क्वायर है तो भी पुट कीजिएगा, ठीक है ना। इक्वेशन में अगर ऐसा आपको नजर आए तो ये चीज़ पुट कीजिएगा, लेकिन बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कोई ऐसा सवाल होते हैं जिसमें हम लोग एक्स वाई इक्वल टू भी पुट करते हैं, तो वो प्रैक्टिस पर पूरा निर्भर करता है बाबू, पूरा डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस का, तो उसी पर डिपेंड करता है कि क्या सब्सटीट्यूट करने पर क्या आंसर आएगा, ठीक है ना, कैसे वो कैलर्स फॉर्म में बदलेगा, है ना, क्या सब्सटीट्यूट करने पर कैसे वो कैलर्स फॉर्म में बदलेगा। तो यही सब बात है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स पी इक्वल टू एक्स टू दर 4 इंटू वाई पी टू दर 2, इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। अब स्मॉल एक्स की जगह पर 1/x से सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि दे दिया है, और स्मॉल वाई की जगह पर 1/y से सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो dx, देखिए ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशियंट का नहीं, देखिए डिफरेंशियल निकालेंगे x का तो dx होगा, और 1/x का निकालेंगे तो -1/x² × dx, एंड y का तो dy हो जाएगा, और 1/y का -1/y² × dy हो जाएगा, कैपिटल dy। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, dy बाय dx निकालेंगे तो dy का वैल्यू क्या है, -1/y² × dy, और dx का वैल्यू क्या है तो -1/x² × dx, ठीक है, कैपिटल dx है, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये x² / y² हो जाएगा (dy/dx). तो आप ध्यान दीजिएगा, इस dy/dx को स्मॉल वाला को स्मॉल p कहेंगे, और x² / y² है ही, और कैपिटल dy/dx को हम लोग कैपिटल p कहेंगे, वेयर स्मॉल p बराबर लिख भी देंगे कि dy/dx है, स्मॉल dy/dx है, और कैपिटल p बराबर कैपिटल dy/dx है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी हैव, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल p का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, स्मॉल p का वैल्यू को ये पुट कर देंगे, ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 है, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर है, वाई की जगह पर स्मॉल वाई की जगह पर वही है, एक्स की जगह पर एक्स वही है, स्मॉल पी की जगह पर कैपिटल x² / y² × P लिख दिया, इक्वल टू x² / 4 है। अब जो है कि x² / 4 लिख दिया, और स्मॉल पी की जगह पर क्या है, स्मॉल पी की जगह पर कैपिटल x² / y² × P है, तो मैंने वहाँ पर लिख दिया p के जगह पर, स्मॉल p के जगह पर कैपिटल x² / y² × P, और इसका होल स्क्वायर है तो वहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा दिया, क्लियर है। अब समझिए, स्मॉल y को मैं क्या सब्सटीट्यूट करूँ, तो 1/y से, तो 1/y का स्क्वायर हो जाएगा, और y का फिर 1/y हो जाएगा, x का फिर 1/x हो जाएगा, x² / y² × P, x^4 का 1/x^4 कैपिटल x हो जाएगा, 1/X^4 हो जाएगा, और यहाँ पर x² / y² और ये p का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और p का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए x^4 कट गया, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है, एक वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर कटेगा तो बचेगा कैपिटल वाई स्क्वायर यहाँ पर, क्लियर है। अब एक एक्स से एक एक्स कटेगा तो ऊपर में एक ठो एक्स बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब
यहाँ तक तो क्लियर है होगा आपको। यहाँ पर एक वाई स्क्वायर है डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो वाई स्क्वायर वन अपॉन वाई माइनस एक कैपिटल एक्स बचा तो कैपिटल एक्स अपॉन वाई स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन पी इंटू पी इंटू पी इक्वल टू कैपिटल पी स्क्वायर। नीचे वाला जो इधर डिवाइड में वाई स्क्वायर था वो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। कैपिटल वाई स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम लेंगे वाई और वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर होगा वाई से वाई एक बार में कटेगा तो ऊपर में वाई चल जाएगा, एक वाई से वाई स्क्वायर कितना में कटेगा वाई बार में, तो ऊपर में वाई चल जाएगा माइनस एक्स पी वाई स्क्वायर एक बार में कटा तो उससे कुछ नहीं जाएगा ऊपर में इक्वल टू पी स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, बचेगा डेट इज वाई माइनस एक्स पी इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, इधर कैपिटल वाई इधर माइनस एक्स पी है तो उधर चल जाएगा तो प्लस पी एक्स अरे प्लस पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। अब आप देख सकते हो कि वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी में आ गया, जो कि कैलर्स फॉर्म में है ना, ये कैलर्स फॉर्म। तो मैं लिखूँगा, मैं इधर आप पहले उतार लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अब इरेज कर दूँ मैं। चलिए, मुझे आशा है कि आपने इसको स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए अभी रेज करते हैं, अब हम लोग निकालेंगे आगे, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लिखेंगे सिंस इक्वेशन थ्री is in Calrot's form, so general solution is general solution of equation 3 is क्या हो जाएगा। तो simply direct लिख देते, उतना नहीं लिखना है कि p equal to c put करेंगे वगैरह वगैरह, अब तो समझ गए होंगे आप लोग ना। तो P के जगह पर C पुट कर देंगे, कैपिटल P के जगह पर C पुट करेंगे ना, कैपिटल P के जगह पर, अब प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। अब कैपिटल Y का वैल्यू क्या था, कैपिटल Y का वैल्यू आपका था वन अपॉन, देखिए वहाँ पर कैपिटल Y इधर चल जाएगा तो वन अपॉन स्मॉल Y हो जाएगा, इधर देखिए कैपिटल Y वन अपॉन स्मॉल Y का वैल्यू वन अपॉन कैपिटल Y है, तो ये कैपिटल Y डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कैपिटल Y का वैल्यू वन अपॉन स्मॉल Y हो जाएगा, वन अपॉन स्मॉल Y, तो कैपिटल Y का वैल्यू वन अपॉन स्मॉल Y इक्वल टू सी कैपिटल एक्स का वैल्यू वन अपॉन स्मॉल एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये मैं यहाँ पर वन अपॉन वाई रहने देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सी एक्स का एलसीएम ले लूँगा, एक्स का एलसीएम लूँगा, तो चूँकि एक्स के सी के नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो एक्स और वन का एलसीएम एक्स हो जाएगा, तो ऊपर में सी प्लस सी स्क्वायर एक्स और नीचे में एक्स बचा है। अब मैं नीचे वाला और अरेंज कर देता हूँ, अब देखिए ये एक्स इधर चला जाएगा, ठीक है ना, तो एक्स इक्वल टू सी वाई प्लस सी स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है ना। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन निकल आया है, विच इज रिक्वायर जनरल सोल्यूशन, ठीक है ना। आगे आप लिख दीजिएगा एक लाइन और, विच इज रिक्वायर जनरल सोल्यूशन, क्या लिखेंगे आप, विच इज रिक्वायर जनरल सोल्यूशन, ठीक है, नीचे में लिखिएगा विच इज रिक्वायर जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वन। एक बार मैं मिला देता हूँ कि सही आया कि नहीं, x इक्वल टू सी वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स वाई, हाँ यही आपका जनरल सोल्यूशन है। क्या है जनरल सोल्यूशन, अभी तक हमने इक्वेशन नंबर थ्री तक लिखा था, ये इक्वेशन नंबर फोर कर लीजिए और नीचे में लिख लीजिएगा विच इज रिक्वायर जनरल सोल्यूशन। अब आगे मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने बोलता, तो फिर कैसे करते, आइए देखिए। बड़ा ही सिंपल है, क्या करते हैं, नाउ फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ नाउ फॉर सिंगुलर सोल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इन सी में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए है भी तो कन्वर्ट करना क्या है, सी स्क्वायर एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस सी वाई, ये प्लस एक्स है तो उधर चल जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा एक तरफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इन सी है, विच इज क्वाड्रेटिक इन सी, सी स्क्वायर एक्स वाई अब प्लस सी वाई और माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना, एक तरफ x चल गया तो माइनस एक्स हो गया। अब मैं यहाँ पर नीचे लिखूंगा विच इज इन क्वाड्रेटिक, विच इज क्वाड्रेटिक इन सी, यहाँ पर लिखूंगा विच इज क्वाड्रेटिक इन सी, आप लिख लीजिएगा, हाँ मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, क्योंकि इधर और बनाना होगा, यहाँ पर लिखूंगा विच इज क्वाड्रेटिक इन सी, है ना,
तो अब क्वाड्रेटिक एंड सी हो गया। अब फिर लिखेंगे नीचे में इसके नीचे लिखेंगे नाउ वी अप्लाई, क्या लिखेंगे नाउ वी अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स। फिर लिखेंगे नाउ वी अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, यहाँ पर लिखेंगे क्या नाउ वी अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स। फिर नीचे में लिख देंगे, इसके नीचे में लिखेंगे, इसके नीचे में डैट इज डी बराबर जीरो, है ना। डैट इज, अब तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, उसके ऊपर वाला आप लिख लीजिएगा, डैट इज डी बराबर जीरो। दिस इम्प्लाइज द डी का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं नीचे वाला आपको इरेज करता हूँ, देख रहे कितना स्पेस लगता है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी का वैल्यू क्या है एक्चुअली में, सी में क्वाड्रेटिक है तो सी को छोड़ा के जो भी रहेगा उसको बी और ए और सी मानेंगे। तो सी में क्वाड्रेटिक है तो ये देखिए ए एक्स स्क्वायर, ए के जगह पर एक्स वाई है, ए ए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर सी स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस बी वाई। तो बी के जगह पर मेरा कौन है तो वाई है, और बी प्लस सॉरी क्या होता है जनरल सोल्यूशन, इसका जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसी से कंपेयर कर लीजिए आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए b की जगह पर कौन है, b की जगह पर मेरा y है और x की जगह पर कौन है c है, तो b की जगह पर मेरा y है, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर, ए बोले तो एक्स वाई और c बोले तो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब दोनों तरफ स्क्वायर लगा लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, तो बचेगा मेरा वाई स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस फोर एक्स 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 स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो गया इक्वल टू का जीरो। अब यहाँ से वाई कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, या फिर इसको ऐसा इतना ही छोड़ सकते हो, और ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। अब इस सिंगुलर सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है, इस सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है, नहीं है, इसी वजह से ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस जगह पर जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू उधर उस चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बताओ भाई कि यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, तो आप बोलोगे नहीं है। अब कोई कोई कहेगा कि माइनस फोर है सर, तो माइनस फोर एक कोफिशियंट है ना, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट एक अलग से होना चाहिए था, तब उसको हम लोग जनरल सोल्यूशन कहेंगे। तो जनरल सोल्यूशन तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो भाई ये मेरा जनरल सोल्यूशन था, कहाँ गया, ये मेरा जनरल सोल्यूशन था, ठीक है ना, देख पा रहे हो ये मेरा जनरल सोल्यूशन है, तो और ये मेरा क्या है, ये सिंगुलर सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये कैसे निकाला हूँ, तो पहले उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर दिया मैंने, है ना, सिंगुलर सोल्यूशन को जनरल सोल्यूशन को मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर दिया, एंड देन यहाँ पर इक्वल रूट्स का कंडीशन अप्लाई किया तो मुझे सिंगुलर सोल्यूशन मिल गया। नीचे में लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन, नीचे में क्या लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वन, फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वन, क्लियर है। नीचे में लिख देंगे क्या, इसके नीचे में लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वन, ठीक है, बस आपको नंबर मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर कह नहीं रहा है कि सिंगुलर सॉल्यूशन आप निकालिए, बट मैं निकाल दिया आपके लिए, ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में पूछ दिया तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 58 में, लेक्चर नंबर 58 में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।